फूड प्रोसेसिंग सीमेंट माइनिंग पेट्रोलियम एंड मशीनरी रॉ मटीरियल आर कन्वर्टेड इन टू फिनिश्ड गूड्स बाई एन इंडस्ट्री देयर आर मैनी काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया ओके देखिए इंडस्ट्रीज क्या होती हैं जहाँ पे गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है ओके okay? जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी स्टील फूड प्रोसेसिंग सीमेंट माइनिंग पेट्रोलियम मशीनरी ये सब क्या होती है इंडस्ट्रीज होती हैं ठीक है थीके? रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में जहां बनाया जाता है उसे हम कहते हैं इंडस्ट्रीज ओके okay? अब देखिए, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री गो हैंड इन हैंड वेल एग्रीकल्चर फॉर्म अ स्ट्रॉग फाउंडेशन ऑफ द कंट्री द इंडस्ट्री फॉर्म द इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सफॉर्म दिज रिसोज इंटू मोर वैल्यूएबल गूड्स इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्रेस एंड प्रोस्पैरिटी ऑफ द कंट्री ओके देखिये एग्रीकल्चर या फिर इंडस्ट्री जो है वो हैंड टू हैंड होते हैंड इन हैंड होते हैं ओके जब एग्रीकल्चर फॉर्म होता है तो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होती है कंट्री की ठीक है नाउ वो जो इंडस्ट्री है उसमें ये जितना भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें लेकर जाया जाता है फिर जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उस रो प्रोडक्ट को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए ओके फिर इन रिसोर्सिस को यूटिलाइज किया जाता है बाय मैनी ऑफ द पीपल ठीक है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉन्ट्रीब्यूट करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ओके प्रोग्रेस में और प्रोस्पेरिटी में ओके डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज depending on the size of an industry the kind of machines used and the number of persons employed industries are grouped on cottage industries small-scale industries and large-scale industries okay they came किसी भी इंडस्ट्री के साइज़ पर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की मशीन यूज़ करती हैं या फिर कितने नंबर ऑफ़ पीपल जो कि एम्प्लॉयड है वहाँ पे कि कितने हैं ओके okay? तो जो इंडस्ट्रीज़ है वो ग्रुप की गई है कॉटेज इंडस्ट्रीज में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होती हैं some people set up industries in their own homes by employing a few people mostly the members of the same family work together such industries are called cottage industries they use simple tools and raw materials to make goods these industries do not require large capitals cloth weaving handicrafts basket making pickles jams juices and some example of cottage industries okay they came कुछ लोग अपने घर में ही इंडस्ट्रीज बना लेते हैं छोटी छोटी ठीक है जिसमें मोस्टली तीन से चार लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो कि उनके फैमिली मेंबर्स ही होते हैं जो उनको काम करा रहे होते हैं इसमें ज़्यादातर इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती ना ही मशीन्स लगती है लोग हाथ से ही काम करते हैं ओके okay? हैंडी बनाते हैं तो जैसे कि क्या हो गया क्लॉथ वीविंग हो गया हैंडीक्राफ्ट्स क्राफ्ट बनाना हो गया पिकल्स जैम्स जूसेस ये सब क्या होते हैं ये सब कहाँ बनते हैं कोटेज इंडस्ट्रीज में बनते हैं ओके नाओ एक्टिविटी मेक द सेट ऑफ टेन आइटम्स ऑफ डेली यूज सच एस सोप शैम्पूस, स्पीकर बिस्किट्स एक्सेट्रा राइट डाउन इन योर नोटबुक द नेम्स ऑफ द कंपनीज दैट मैनुफेक्चर दैम ये आप खुद से करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग राइट एनी टू काइंड ऑफ कोटेज इंडस्ट्रीज ये भी आप खुद से करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज In small scale industries, workers work in small factories using small machines. Such industries make hosiery goods, utensils, soaps, shampoos, bicycles, and automobile. पार्ट्स ओके देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जहाँ पे स्मॉल फैक्ट्रीज बनाई जाती हैं और उन स्मॉल फैक्ट्रीज में स्मॉल मशीन्स का यूज़ किया जाता है उस इंडस्ट्रीज़ में हॉजरी गुड्स यूटेंसिल्स सॉप शैम्पू जैसी चीज़ें बनाई जाती हैं ओके लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज मैन गुड्स आर मैनुफेक्चर ऑन अ लार्ज स्केल विद द हेल्प ऑफ बिग मशीन्स एंड हंड्रेड ऑफ वर्कर्स वर्क इन दैम सच इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आयरन एंड स्टील प्लाट्स कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फर्टिलाइजर प्लांट सीमेंट प्लाट्स एंड फैक्ट्रीज मैन्यूफैक्चरिंग रेलवे कोचेज एंड इंजिन आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्री लार्ज स्केल इंडस्ट्री इज लोकेट इन द एरिया वेर रो मटीरियल्स लेबर एंड पावर इज ईजिली अवेलेबल ओके देखिए जहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी मशीन्स का यूज़ किया जाता है लार्ज स्केल पे चीज़ों को मैनुफेक्चर किया जाता है और हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स वहाँ पर लगते हैं उन इंडस्ट्रीज़ को हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ कहते हैं जैसे कि आयरन स्टील प्लांट्स हो गए कॉटन टेक्सटाइल्स हो गया फर्टिलाइज़र प्लांट सीमेंट प्लांट्स ओके ये सब एग्जांपल्स हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ उन एरियाज़ में लोकेटेड होती है जहाँ पे रॉ मटेरियल्स, लेबर और पावर ईजीली अवेलेबल होता है ओके

सिल्क टेक्सटाइक मिल्स आर लोकेटेड एट बेंगलुरु मैसूर कांचीपुरम कोयम्बतूर सूरत मुर्शिदाबाद वाराणसी एंड भागलपुर वुलन टेक्सटाइल मिल्स आर लोकेटेड इन अमृतसर लुधियाना पानीपत कानपुर मुंबई मिर्ज़ापुर जमनगर एंड श्रीनगर ओके देखिए सबसे ज़्यादा जितनी भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो टू थाउजेंड है और वो पाई जाती हैं मुंबई अहमदाबाद कोलकाता कानपुर बेंगलुरु चेन्नई कोयम्बतूर मदुरई वाराणसी पंजी में ओके जूट ग्रोइंग स्टेट्स जो, स्टेट जो हैं वो है वेस्ट बंगाल उड़ीसा आसाम बिहार त्रिपुरा उत्तर प्रदेश ओके नाउ सिल्क टेक्सटाइल मिल्स जो हैं वो लोकेटेड है बेंगलुरु मैसूर कांचीपुरम ये जितने भी स्टेट्स लिखे हैं इन सब में ओके नाउ शुगर इंडस्ट्री India stands first in the world in sugar and sugarcane production. Sugar, khansari, and jaggery are the products made from sugarcane. Sugarcane mills are located in Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, Madhya Pradesh, Punjab, and Tamil Nadu. Okay, they India. पहले नंबर पे आता है शुगर प्रोडक्शन के लिए शुगर केन के लिए ओके okay? नाउ केन से शुगर की प्रोडक्शन होती है उससे बनाते हैं खंडसारी जैगरी ओके okay? नाउ शुगर केन मिल्स जो हैं वो लोकेटेड हैं उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र बिहार मध्य प्रदेश पंजाब और तमिलनाडु में पेपर इंडस्ट्री द फर्स्ट पेपर प्लांट नेम्ड वॉज नापानगर न्यूज प्रिंट प्लांट वो सेटअप इन मध्य प्रदेश टुडे वेस्ट बंगाल आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र आर द लीडिंग स्टेट्स इन पेपर इंडस्ट्री देखिए जो पहला पेपर प्लांट था उसे नापा नगर न्यूज़ प्रिंट प्लांट बोला जाता था जो कि मध्य प्रदेश में सेटअप किया गया था और आज के टाइम पे वेस्ट बंगाल आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र ये सब लीडिंग स्टेट्स है पेपर इंडस्ट्री के ओके क्रिटिकल थिंकिंग व्हाट इज पेपर मेड फ्रॉम ये आप खुद से करेंगे इंडस्ट्री आर मेड इन इन गवर्नमेंट फैक्ट्रीज बेंगलुरु लखनऊ नासिक एंड हैदराबाद देखिए गवर्नमेंट ओन्ड फैक्ट्रीज जितनी हैं वहां पर एरोप्लेन्स बनाए जाते हैं और उन्हें एरोनोटिक इंडस्ट्रीज कहा जाता है ये पाए जाते हैं बेंगलुरु लखनऊ नासिक और हैदराबाद में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन इंडिया ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन नासिक कोलकाता गुड़गांव चेन्नई जमशेदपुर एंड जबलपुर देखिए ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज इंडिया में लोकेटेड है नासिक कोलकाता, गुड़गांव चेन्नई जमशेदपुर और जबलपुर में मेजर आयरन एंड स्टील प्लांट्स आर लोकेटेड एट जमशेदपुर भिलाई बाव दुर्गापुर रोरकेला सालेम बर्नपुर एंड ओके देखिए स्टील जो है वो बेसिकली यूज बेसिक मटेरियल है जो कि यूज़ किया जाता है और इसे बनाए इसे यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने के लिए और ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स बनाने के लिए ठीक है आयरन और स्टील प्लांट्स जो हैं वो लोकेटेड है जमशेदपुर भिलाई बकराओ और ये विशाखापट्टनम तक के स्टेट्स में ओके okay? जो तो लिखे हुए हैं यहाँ पे नाउ एक्स्ट्रा शॉर्ट्स

हमारे कंट्री में हंड्रेड सीमेंट फैक्ट्रीज हैं या फिर उससे ज़्यादा हैं जो कि प्रोड्यूस करती हैं फिफ्टी थ्री मिलियन टन ऑफ सीमेंट हर साल ठीक है सीमेंट फैक्ट्रीज जो हैं वो लोकेटेड है राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अदर इंडस्ट्रीज़ अदर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर इलेक्ट्रॉनिक्स केमिकल्स पेट्रोकेमिकल्स फर्टिलाइजर्स ग्लास एंड मशीन टूल्स हिंदुस्तान मशीन टूल एच एम टी प्रोड्यूस वेराइटी ऑफ मशीन एंड टूल हाई स्टैंडर्ड्स ओके देखिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज इंडिया में है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स केमिकल्स पेट्रोकेमिकल्स फर्टिलाइजर्स गैस एंड मशीनिक टूल्स ठीक है नाव जो एच एम टी है ये प्रोड्यूस करती है वाइड वेराइटी ऑफ मशीन की ठीक है आइए आगे, आगे बढ़ते हैं इट यूनिट्स आर लोकेटेड एट बेंगलुरु पिंजोर हैदराबाद एंड श्रीनगर भारत इलेक्ट्रॉनिकल भोपाल तिरुचिरापली हैदराबाद एंड हरिद्वार मैनी न्यू इंडस्ट्रीज है इसकी जो यूनिट्स है वो बेंगलुरु जोर हैदराबाद श्रीनगर में है बी एच ई एल प्रोड्यूस करता है, है। इंडिपेंडेंस ये जो इंडस्ट्रीज है प्रोवाइड करती हैं एम्प्लॉयमेंट बहुत सारे लोगों को हमारी कंट्री के ओके की वर्ड इंडस्ट्री द प्रोसेस ऑफ मेकिंग थिंग्स इन फैक्ट्रीज फैक्ट्री वेयर पीपल मेक थिंग्स विद मशीन Toysery, clothing items such as stockings and socks. Let's recapitulate. Manufacturing of goods in factories is called industry, and industries convert raw material into finished goods. The three types of industries are cottage industries, small scale industries, and large scale industries. Cottage industries use simple tools and locally available raw materials. Small scale industries are small scale units and small factories. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज नीड ट्रेन एंड स्किल्ड वर्कर्स एंड बिग मशीन इंडिया इज अ फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल्स मिल्स आयरन एंड स्टील प्लांट्स इलेक्ट्रॉनिक गुड एंड शुगर इंडस्ट्रीज स्टूडेंट्स आई होप आपको एक चैप्टर समझ में आया होगा अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे